हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इस खुशी के मौके पे मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी, सिंपल एंड डिलीशियस मिल्क पुडिंग। एंड सबसे पहले मैं ली हूँ 500 ml फुल फैट मिल्क। अगर आपके पास जो मिल्क अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैं इसको 15 मिनट से कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए बॉईल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस पॉइंट पे मिल्क को थिक करने के लिए मिल्क पाउडर या मावा भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ मिल्क को बॉईल कर रही हूँ। एंड इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे इसमें 5 टीस्पून रवा। फ्लेम को एकदम मैंने लो करके रवा ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें। अगर रवा मुझे कम लगे तो मैं और ऐड करूँगी। मुझे हल्का सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में लगा तो मैंने 2 टीस्पून और रवा ऐड की हूँ। इसको अच्छे से मिक्सअप करके प्रॉपरली कुक होने दें। एंड यहाँ पे देखिए परफेक्टली रवा कुक हो चुका है। इसमें मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं की हूँ। शुगर को मैं बाद में ऐड करूँगी। अंडे डिश बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, सबके लिए ये बहुत ही डिलीशियस एंड यम्मी डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर ये बनके तैयार हो जाती है। इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ 6 टू 7 टीस्पून शुगर। शुगर आप पे डिपेंड करता है। आप स्वीट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे शुगर अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है। यहाँ पे मैं बेकिंग मोल्ड ली हूँ केक का, उसको मैंने घी से ग्रीस कर चुकी हूँ। इसमें हम 30% बैटर लेंगे। बैटर को चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लें। आज हम बना रहे हैं 3 कलर्स मिल्क पुडिंग। आप इसको मिल्क केक भी बोल सकते हैं, रवा पुडिंग भी बोल सकते हैं, आपके चॉइस है, जो नाम देना है दे लो। एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। आप ऑरेंज एसेंस भी ऐड कर सकते हो। फिर मैं इस पर ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पे घी को स्प्रेड करना ट्रे पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि फिर ये सेट नहीं होगा। फिर मैं उस पर वाइट ऐड की थी, वाइट लेयर। फिर मैं ग्रीन ऐड की हूँ। देखिए अब बहुत गर्म है, इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ 2 आवर्स के लिए। फिर यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।